जय गुरु। मैं डॉक्टर मल्लिका कुमारी, असिस्टेंट प्रोफेसर, दर्शन शास्त्र विभाग, योगदा सत्संग महाविद्यालय। इस वीडियो लेक्चर में मैं आप सबका फिर से स्वागत करती हूँ। हमारा आज का विषय है सांख्य दर्शन का विकासवाद। हम इन प्रमुख शिक्षण बिंदुओं के माध्यम से विकासवाद को समझेंगे। जगत की उत्पत्ति। सबसे पहले हम जगत की उत्पत्ति को समझेंगे। पुरुष और प्रकृति के संसर्ग से सृष्टि होती है। मैंने आपको बताया था कि पुरुष चेतन है और प्रकृति जड़ है। जब पुरुष प्रकृति के संसर्ग में आता है तो सृष्टि क्रम शुरू होता है। प्रकृति और पुरुष का संबंध या संयोग एक तरह का साधारण संयोग नहीं है, जो दो भौतिक द्रव्यों में होता है। यह एक विलक्षण प्रकार का संबंध है। अकेला पुरुष सृष्टि नहीं कर सकता है, क्योंकि वह निष्क्रिय है। वह चेतन तो है, लेकिन वह निष्क्रिय है। इसी तरह अकेली प्रकृति सृष्टि नहीं कर सकती, क्योंकि वह जड़ है। प्रकृति की क्रिया पुरुष की चैतन्य से निरूपित होती है, तभी सृष्टि का उद्गम होता है। अर्थात पुरुष और प्रकृति दोनों के सहकार से ही विषय जगत की उत्पत्ति होती है। दोनों के संयोग से ही जगत की उत्पत्ति होती है। प्रकृति दर्शनार्थ पुरुष की अपेक्षा रखती है और पुरुष कैवल्यार्थ प्रकृति की सहायता लेता है। मैंने आपको बताया था कि प्रकृति के तीन गुण, सत्व, रज और तम, तीन गुण पुरुष के उद्देश्य के लिए सहयोग करती हैं। तो पुरुष का उद्देश्य क्या हो सकता है? उसका उद्देश्य है कैवल्यार्थ। अब हम गुणक्षोभ के विषय में समझेंगे कि गुणक्षोभ क्या है। सृष्टि के पूर्व तीनों गुण साम्यावस्था में रहते हैं। प्रकृति और पुरुष के संयोग होने से गुणों की साम्यावस्था में विकास उत्पन्न हो जाता है, जिसे गुणक्षोभ कहते हैं। सबसे पहले रजोगुण, जो स्वभावतः क्रियात्मक है, जैसा कि आप जानते हैं, यह परिवर्तनशील होता है। तब उसके कारण और गुणों में भी स्पंदन होने लगता है। परिणाम स्वरूप प्रकृति में एक भीषण आंदोलन हो उठता है, जिससे प्रत्येक गुण दूसरे गुण पर आधिपत्य जमाना चाहते हैं। क्रमशः तीनों गुणों का संयोजन और पृथक्करण होता है और न्यूनाधिक अनुपातों में उनके संयोगों के फल स्वरूप नाना प्रकार के सांसारिक विषय उत्पन्न होते हैं। आप देखते हैं कि संसार में जितने भी विषय हैं, किसी में सत्वगुण की प्रधानता होती है, किसी में रजगुण की प्रधानता होती है, तो किसी में तमगुण की प्रधानता होती है। ये अनुपातों के कारण ही होता है। अब हम सृष्टि का क्रम समझेंगे। आप यहां देखिए, मैंने यहां पर चार्ट बनाया है। पुरुष, प्रकृति, महत, अहंकार, मन, पंच ज्ञानेन्द्रिया, पंच कर्मेन्द्रिय, पंच तन्मात्र, पंच महाभूत। अब आप देखिए कि जब पुरुष का प्रकृति से संसर्ग होता है तो विकार उत्पन्न होता है। तो विकार में सबसे पहले महत की उत्पत्ति होती है, महत जिसे बुद्धि भी कहा जाता है। उसके बाद अहंकार, और अहंकार से ही मन, पंच ज्ञानेन्द्रिय, पंच कर्मेन्द्रिय, पंच तन्मात्र और पंच महाभूत, इन सबकी उत्पत्ति होती है। सबसे पहले हम प्रकृति और पुरुष सृष्टि क्रम में, विकास क्रम में, उनका पहला विकार जो है बुद्धि, उस पर चर्चा करते हैं। सृष्टि के क्रम में सबसे पहले महत या बुद्धि का प्रादुर्भाव होता है। यह प्रकृति का प्रथम विकार है। बाह्य जगत की दृष्टि से यह विराट बीज स्वरूप है, अतः यह महतत्व कहलाता है। उसके बाद अहंकार। प्रकृति का दूसरा विकार अहंकार है। यह महतत्व का परिणाम है। बुद्धि का मैं और मेरा, यह अभिमान का भाव ही अहंकार है। इसी अहंकार के कारण पुरुष मिथ्या भ्रम में पड़कर अपने को कर्ता, कामी और स्वामी समझने लगता है। अहंकार के कारण जब सांसारिक विषयों में अपनी प्रवृत्ति हो जाती है, तब हम नाना प्रकार के व्यवहारों में संलग्न हो जाते हैं। आप देखिए, अहंकार तीन प्रकार के होते हैं, सात्विक अहंकार, राजसिक और तामसिक। सात्विक अहंकार में सत्वगुण की आपेक्षिक प्रधानता होती है, मतलब वहां सत्वगुण
की प्रधानता रहती है। तामस अहंकार में तमोगुण की प्रधानता होती है और राजस अहंकार में रजोगुण की प्रधानता होती है। सात्विक अहंकार से, यहाँ आप ध्यान दीजिए कि सात्विक अहंकार से एकादश इंद्रियों की उत्पत्ति होती है। कौन कौन है वो एकादश इंद्रिय? पांच ज्ञानेन्द्रियां, पांच कर्मेंद्रियां और एक मन, मिलाकर 11 इंद्रियां बनती हैं। तामस अहंकार से पंच तन्मात्राओं की उत्पत्ति होती है। राजस अहंकार सात्विक और तामस दोनों अहंकारों का सहायक होता है और उन्हें वह शक्ति प्रदान करता है जिससे सात्विक और तामस विकार उत्पन्न होते हैं। आप देखिए कि पंच ज्ञानेन्द्रियां कौन कौन है? आंख, नाक, कान, जीभ तथा त्वचा। इनसे क्रमशः रूप, शब्द, गंध, स्वाद और स्पर्श, इन विषयों का ज्ञान होता है। ये अहंकार के परिणाम है और पुरुष के निमित्त उत्पन्न होते हैं, ये पुरुष के लिए उत्पन्न होते हैं। अब हम पंच कर्मेंद्रियों को देखते हैं। मुख, हाथ, पैर, मल द्वार तथा ज्ञानेन्द्रिय, इनके क्रमशः जो कार्य है वह है बोलना, पकड़ना, चलना, मल बाहर करना तथा संतान उत्पन्न करना। मन एक मुख्य इंद्रिय है, यह अभ्यंतर इंद्रिय है जो ज्ञानेन्द्रियों और कर्मेंद्रियों को उनके विषयों की ओर प्रेरित करती है। इस प्रकार मन कर्मेंद्रियों और ज्ञानेन्द्रियों के संचालन में सहायता प्रदान करती है। मन सूक्ष्म है, यद्यपि वह सावयव है। सावयव होने के कारण वह विभिन्न इंद्रियों के साथ एक ही समय संयुक्त हो सकता है। मन विभिन्न इंद्रियों से प्राप्त संवेदनाओं को अर्थ जोड़कर प्रत्यक्ष रूप में परिणत करता है। पांच कर्मेंद्रिय तथा पांच ज्ञानेन्द्रिय, बुद्धि, अहंकार तथा मन को 13 करण कहा जाता है। पांच कर्मेंद्रियों तथा पांच ज्ञानेन्द्रियों को बाह्य करण कहते हैं। इसके विपरीत मन, बुद्धि, अहंकार को सम्मिलित रूप से अंतःकरण कहा जाता है। वायकरण का संबंध सिर्फ वर्तमान से रहता है, परंतु अंतःकरण का संबंध भूत, वर्तमान तथा भविष्य तीनों कालों से होता है। 10 बाह्य इंद्रियों और मन को सम्मिलित रूप से इंद्रियां माना जाता है। इस प्रकार सांख्य दर्शन में 11 इंद्रियां मानी गई हैं। इसके विपरीत आप देखेंगे कि न्याय वैशेषिक दर्शन में मन तथा पांच ज्ञानेन्द्रियों को ही इंद्रिय की संज्ञा दी गई है। सांख्य दर्शन के अनुसार इंद्रियां अहंकार से उत्पन्न होती हैं। तामस अहंकार से तन्मात्राओं का विकास होता है। तन्मात्राएं भूतों के सूक्ष्म रूप हैं। ये भूतों के सार तत्व हैं। अब हम तन्मात्राएं क्या है उसे समझते हैं। तन्मात्राएं पांच प्रकार की होती हैं। शब्द के सूक्ष्म रूप को शब्द तन्मात्रा कहते हैं, रूप के सूक्ष्म रूप को रूप तन्मात्रा, गंध के सूक्ष्म रूप को गंध तन्मात्रा, स्वाद के सूक्ष्म रूप को रस तन्मात्रा और स्पर्श के सूक्ष्म रूप को स्पर्श तन्मात्रा कहा जाता है। तन्मात्राओं का ज्ञान प्रत्यक्ष से संभव नहीं है क्योंकि वे सूक्ष्म अति सूक्ष्म है। उनका ज्ञान अनुमान से संभव है। पंच तन्मात्रा से पंच महाभूतों का प्रादुर्भाव होता है। पंच तन्मात्रा और पंच महाभूत में अंतर यह होता है कि पंच तन्मात्रा सूक्ष्म है जबकि पंच महाभूत स्थूल है। शब्द तन्मात्रा से आकाश की उत्पत्ति होती है जिसका गुण शब्द है। आप यहां ध्यान दीजिएगा, शब्द तन्मात्रा से आकाश की उत्पत्ति होती है और उसका गुण शब्द है। स्पर्श तन्मात्रा, शब्द तन्मात्रा से वायु का विकास होता है, मतलब स्पर्श तन्मात्रा और शब्द तन्मात्रा जब मिलते हैं तो वायु का विकास होता है। वायु का गुण शब्द और स्पर्श दोनों है। रूप तन्मात्रा, स्पर्श तन्मात्रा और शब्द तन्मात्रा, इनसे अग्नि का विकास होता है। रूप, स्पर्श और शब्द अग्नि के गुण माने जाते हैं। रस तन्मात्रा,
रूप तन्मात्रा, स्पर्श तन्मात्रा और सप्त तन्मात्रा, इनसे जल का आविर्भाव होता है जिसके गुण हैं रस, रूप, स्पर्श और सप्त। गंध तन्मात्रा, रस तन्मात्रा, रूप तन्मात्रा, स्पर्श तन्मात्रा और सप्त तन्मात्रा से पृथ्वी का विकास होता है। पृथ्वी के गुण हैं गंध, रस, रूप, स्पर्श तथा सप्त। आप देखिए कि आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, ये पांच महाभूत हैं। पंच महाभूतों में प्रत्येक का विशिष्ट गुण होता है। आकाश का विशिष्ट गुण क्या है? शब्द है। वायु का विशिष्ट गुण स्पर्श है। जल का विशिष्ट गुण स्वाद है। अग्नि का विशिष्ट गुण रूप है और पृथ्वी का विशिष्ट गुण गंध है। पंच महाभूतों का भिन्न भिन्न परिणामों में सम्मिश्रण होता है जिसके फलस्वरूप विश्व की विभिन्न वस्तुओं का निर्माण होता है। सांख्य दर्शन के विकासवाद में प्रकृति, बुद्धि, अहंकार, मन, पांच ज्ञानेंद्रियां, पांच कर्मेंद्रियां, पांच तन्मात्राएं, पांच महाभूत मिलकर 24 तत्व हैं। इनमें यदि पुरुष को जोड़ दिया जाए तो 25 तत्व हो जाते हैं। अब इन 25 तत्वों में चार प्रकार के तत्व हैं। यहां आप ध्यान दीजिएगा। पहले प्रकार का जो तत्व पुरुष है, जो न तो कार्य है और न कारण। जो सबसे पहला तत्व पुरुष है उसका कोई कार्य भी नहीं है और वो न तो किस कारण है किसी का। यद्यपि पुरुष कार्य और कारण की श्रृंखला से मुक्त है, फिर भी वह सृष्टि को प्रभावित करता है। दूसरे प्रकार का तत्व प्रकृति है, जो सिर्फ कारण है। प्रकृति का कोई कारण नहीं है। अगर हम प्रकृति का कारण मानेंगे तो फिर यहाँ पर अनावस्था दोष उत्पन्न हो जाएगा। तीसरे प्रकार का तत्व बुद्धि, अहंकार और पंच तन्मात्राएं हैं, जो कारण और कार्य दोनों हैं। ये सात तत्व कुछ के कार्य हैं तथा कुछ के कारण हैं। बुद्धि कार्य है जिसका कारण प्रकृति है। बुद्धि से अहंकार की उत्पत्ति होती है, अतः बुद्धि अहंकार का कारण है और अहंकार बुद्धि का कार्य है। अहंकार मन, ज्ञानेंद्रियों, कर्मेंद्रियों तथा पंच तन्मात्राओं का कारण भी है। पंच तन्मात्राएं भी कारण और कार्य दोनों हैं। पंच तन्मात्राएं अहंकार का कार्य है परंतु पंच महाभूतों के कारण भी है। चौथे प्रकार के तत्व मन, पांच ज्ञानेंद्रियां, पांच कर्मेंद्रियां तथा पांच महाभूत हैं, जो सिर्फ कार्य है। मन, पांच ज्ञानेंद्रियां और पांच कर्मेंद्रियां अहंकार का कार्य हैं। पंच महाभूत पंच तन्मात्राओं का कार्य है। सांख्य का विकासवाद, आप देखिए यहाँ, वह यंत्रवत नहीं है। विकास के पीछे भी प्रयोजन है, वो बस यंत्रवत नहीं चल रहा है। उसका कोई न कोई उद्देश्य है, कोई न कोई प्रयोजन है। क्या है उसका प्रयोजन? सांख्य का विकासवाद अचेतन प्रयोजनवाद है, क्योंकि विकास का आधार प्रकृति अचेतन है। विकासवाद का उद्देश्य प्रकृति के प्रयोजन को प्रमाणित करना नहीं है, बल्कि पुरुष के प्रयोजन को प्रमाणित करना है। इस प्रकार प्रकृति में व्याप्त प्रयोजन बाह्य है, पुरुष का प्रयोजन मोक्ष प्राप्त करना है। सांख्य के विकासवाद में सृष्टि का अर्थ प्रादुर्भाव माना गया है। समस्त वस्तुएं प्रकृति में अव्यक्त हैं, जिनका विकास के द्वारा प्रकाशन होता है। विकासवाद में विकास का क्रम सूक्ष्म से स्थूल की ओर माना गया है। सर्वप्रथम बुद्धि का विकास होता है, क्योंकि बुद्धि अत्यंत सूक्ष्म है। बुद्धि का अहंकार स्थूल है। पंच महाभूत का विकास अंत में होता है, क्योंकि वे इस क्रम में सबसे स्थूल है।
विकास में सृष्टि प्रलय के क्रम को माना जाता है। सृष्टि प्रकृति की वह अवस्था है जब प्रकृति का रूपांतरण पुरुष के प्रयोजन के लिए विभिन्न वस्तुओं से होता है, और प्रलय उस अवस्था को कहते हैं जब प्रकृति अपनी स्वाभाविक स्थिति में चली जाती है। दूसरे शब्दों में प्रकृति का साम्य अवस्था में चला जाना प्रलय कहलाता है। विकासवाद की सबसे बड़ी विशेषता है कि जड़ को, जिससे समस्त विश्व का विकास होता है, अविनाशी माना गया है। प्रकृति से समस्त विश्व का विकास होता है, जबकि प्रकृति जड़ है तथा उसकी सत्ता में न्यूनता नहीं आती है। प्रकृति की सत्ता ज्यों की त्यों बनी रहती है। यही सांख्य दर्शन का विकासवाद है। अब हम अगले वीडियो लेक्चर में बंधन और मोक्ष को लेकर फिर से प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।